हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल। और दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ रेंच सिमुलेटर। और भाई हम जाने वाले हैं ट्रक लेकर स्टोर पर, यानी कि जनरल स्टोर पर। तो यार आज मुझे एक काऊ खरीद के लानी थी, पैसे मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं और घर को लगाने के लिए मुझे घर को तोड़ना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत ही गलत बात होगी, ये काम करेंगे कि अभी नहीं तोड़ेंगे भाई, बाद में तोड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी घर बड़ा करने की। तो ये देखो ये छलांगे बहुत मारता भाई। और ये क्या है भाई, पटरी पर चढ़ ही नहीं पा रहा यार, सच में बहुत ही बकवास ट्रक है। इससे अच्छा तो यार दूसरा कोई और गाड़ी ले लें और ट्रेलर लेके एक उसके पीछे लगा लें। इस ट्रक में तो कोई ज़्यादा मज़ेदार चीज़ नहीं नज़र आई मुझे। तो कई भाई कहते ट्रेलर भी ले लो, तो धीरे धीरे लेंगे भाई, ट्रेलर भी ले लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एकदम से कुछ नहीं होता। तो अभी तो इतनी मुश्किल से हमने पैसे कमाए हैं भाई, इसका तो कुछ मज़ा तो ले लें। तो अभी मुझे भरनी है भाई बहुत सारी काओ, और मुझे बनानी है वाइट मोल्ड और ब्लू मोल्ड वाली चीज़। और चीज़ का भाई ऑफ़र मिलता है तो उसको फिर बेचेंगे बाद में। तो इसको अभी ट्रक को पहले मैं ज़रा घुमा के लगा दूं, क्योंकि अभी मैं भरने वाला हूँ काओ। तो अभी मेरे पास दो ही काओ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ काओ और ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो अंडे भी अपने पास काफ़ी सारे हो ही गए हैं, और मुर्गियों को भी शिफ्ट करना आज, तो देखते हैं जो जो हो जाएगा तो बात कर लेंगे। अरे किधर जा रहा हूँ भाई, इधर को जाना था। तो चलते हैं फटाफट से स्टोर में यार, तो सीधा चल लिया अगर भाई। हेलो कैसी हो, हुआ नहीं रिचार्ज? नहीं स्टार अभी नहीं हुआ। तेरी आवाज़ को क्या हो गया, आवाज़ बदल गई भाई। तो भाई काओ है 650 की और पिग है 300 का। तो काओ हमने हर बार एक ही ली है, अब लेते हैं थोड़ी सी वाइट वाली दो, और दो लेते हैं भाई ये, इसके अंदर चार ही आएंगी, तो 2600। तो अपने पास पैसे बचे भाई 8000। तो देखते हैं जितनी हो जाएगी शॉपिंग उसके हिसाब से कर लेंगे यार। इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर ये अनाज की बोरी भी आ जाएगी और ये भी आ जाएंगे। मुझे कैन भी चाहिए मिल्क का, क्योंकि मिल्क कैन मेरे पास दो ही हैं। तो ये है भाई मैनुअल मीट ग्राइंडर, ये बाद में लेंगे। तो बोरियां भर लेते हैं थोड़ी सी, 8-10, देखते हैं कितनी आती हैं। 10 बोरी आ गई, चलो देखते हैं ट्रक के अंदर भाई कितना माल आएगा, उतना तो लेके चले। ओके आंटी थैंक यू। तो दरवाज़ा खोल देता हूँ भाई एक बार इसका, ज़रा फटाफट बढ़िया सा। कहाँ जा रहे हो? ये तो हमने लिया भाई इंडियन काओ सफ़ेद वाली, और देखो बोरियाँ कैसे बिखरी पड़ी हैं। और काओ को करते हैं भाई यहाँ पर शिफ्ट। और ये दो, अबे यार ये देखो कहाँ अंदर से बाहर कैसे निकल गई भाई ये दोनों। अरे कहाँ जा रही है पिकनिक मनाने, इधर आओ। वो भाई एक तो जंगल में जा रही है, उसको फटाफट से लाना पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी। आ जा। तो ये अभी काओ यार ही छलांगे मार दी, देखो छलांगे मारती आती है। तो इसमें सब छलांगे, जब रस्सी लगाओ तो भाई सारे जानवर छलांगे मारने लग जाते हैं। चल भाई चढ़ जा, तो क्यों बैठ गया इसके अंदर, जल्दी चल भाई पीछे। अरे यार इधर से जाना पड़ेगा। और शाम हो चुकी है भाई अभी, और अभी अरे यार वो दूसरी कहाँ गई, अरे यार वो भी इधर जा रही है। चलो ये तो वापस आ रही है, ये आगे को जा रही है, इसको पकड़ लेते हैं, इसको इधर से लेके चलते हैं। हाँ भाग। चलो ये तो भाग ही रही है, अच्छी बात है, यहाँ से रास्ता शॉर्टकट है भाई। जल्दी से निकालते हैं इसको और अपनी ट्रक के अंदर घुसाते हैं इसको जल्दी यहाँ पर। तो जो ट्रेलर होता है भाई, ट्रेलर के अंदर भी जानवर आते हैं क्या? अभी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्रेलर के अंदर भी जानवर हम अपने पशु ले जा सकते हैं या नहीं। और तू ये देखो, इसको देखो, अरे तू कहाँ दीवार में घुस के आंटी का रिचार्ज करने लगी हुई है। ये लगता है आंटी से बात कर रही थी रिचार्ज के बारे में कुछ, दीवार के अंदर मुंह घुसा के। अब मुझे नहीं पता क्या बात हुई इनकी आपस में, क्या बात कर रही थी। लो भाई ये तो मैं करने लगी, ये इसको बोलना नहीं आता अभी। खैर कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तो इसको करते हैं फिट, अब देखता हूँ बोरी भी आ जाती है इसके अंदर क्या। भाई ये भी आ जाएगी, वाह भाई वाह, फिर तो सही है, जितनी बोरी आ जाएगी उतनी रख लेते हैं। अबे भाई तो बहुत जल्दी बहुत करता, जल्दी मत कर, अगर जल्दी जल्दी में भाई काम खराब हो जाता। तो बोरियां देखते हैं भाई कितनी आ जाती हैं इसके अंदर, एक और आ जाएगी। अब ये बोरी गिरनी नहीं चाहिए भाई, तब आए मज़ा। अब मेरे पास बची भी 5 बोरी, एक मिनट इसको उठा के इधर रख दूँ भाई, साइड में कर दूँ ताकि मुझे नज़र तो आई। तो भाई अपनी 5-6 बोरी रह गई यहाँ पे, और इस गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये लैग क्यों करती है भाई। तो मैं खेल रहा हूँ बिल्कुल अल्ट्रा पे, हो सकता है अल्ट्रा के ऊपर भाई लैग चैग होती हो थोड़ी बहुत, हालांकि कंप्यूटर तो इतना धांसू है पर पता नहीं क्यों होती है। चल भाई, अरे यार स्टार्ट तो करो इसको, लाइट जगा लो भाई, रात हो गई। तो अब लेके चलते हैं इसको फटाफट से, आराम आराम से चलाएंगे भाई। बिल्कुल ही यार ये लहराता बहुत है, ये चलता है लहरा के बल खा के। देखो इसको भाई डांस करने की बहुत पुरानी आदत है, तो आराम से लेके चलूँगा भाई, नहीं तो ये पलट जाएगा, फिर मुझे सीधा करना पड़ेगा इसको। ये देखो ट्रक भी ज़्यादा छलांगा मारता। तो बस आराम से निकालेंगे पत्थर से बचा के। बस भाई इस बार भाई पलटाऊँगा नहीं, अगर पलटा दिया ना तो सच में रेंच सिमुलेटर खेलनी बंद कर दूँगा। लो भाई इस बार तो मैं बढ़िया से लेके आया हूँ इसको अंदर से चला के, और बस ये घर के पास पहुँच के ही भिदक जाता है। बस तो अच्छा, इसको तो भाई ट्रक को वहीं पे लेके जाना पड़ेगा ना। तो
तो काव को निकालने के लिए ट्रक को ऐसे लगा लेते हैं। यार एक सेकंड मैं देखता हूँ इसके अंदर भी घुस जाते हैं क्या ये। तभी तो मेरी काव अंदर, अभी मेरा कोई भी एनिमल बाहर नहीं आने वाला। तो देखता हूँ इसको चला के और वापस करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर घुसाने की। नहीं घुसेगा, मुझे लगता है इसके अंदर नहीं जाएगा। चला जाएगा क्या? एक मिनट भाई, जाना तो चाहिए, रास्ता बना रखा है तो। अरे भाई बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाना पड़ेगा, एकदम प्रसाइज ड्राइविंग करनी पड़ेगी। लगता अब चला जाएगा, अब तो जाना ही चाहिए। नहीं भाई यहीं पर आया बस। ओ ओह चला गया चला गया चला गया चला गया, चल 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 घुसा दे। हाँ हाँ चल चल, ओ भाई आ गया। ओ भाई फंस गया, बस बस बस। ओ वाह भाई वाह भाई, मैं ट्रक के अंदर आ गया सीधे। अब निकालते भाई अपनी काव को। चल भाई चलो आ जाओ, चलो भाई तू भी चल, तू भी चल चल चल। अरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या? लो भाई ये चारों काव आ गई और अंदर जाके सो जाएंगी। तो इनकी सेल खोल लेता हूँ, मैंने पिछली बार सेल बनाई थी और दो काव अपनी अंदर ही हैं, खाना वाना। ओ भाई इसने तो पॉटी कर दी, देखो 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 देखो। अरे यार ये कहाँ भाग गई? इधर आ इधर 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 आ, इसको इस सेल में बंद करता हूँ, इसने वहाँ पर पॉटी कर दी। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ओके जल्दी से करो बंद। अरे भाई इसको भागने की बहुत पड़ी रहती है। तो पानी वानी फीडर में खाना डाल दिया था मैंने पिछली बार, फुल हो रखा है और अपनी सेल अभी खुली हुई है तीन चार। तो चलो चलते हैं फटाफट। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये ऊपर कहीं चढ़ गई? अरे यार ये तो दिक्कत वाला काम हो गया। तो चलो ट्रक को बाहर निकालता हूँ भाई, एक बार दरवाज़ा करता हूँ बंद, इसको तो उतारना ही पड़ेगा। ये कैसे उतरेगी भाई नीचे? ये ऊपर क्यों चढ़ गई गाय माता, ऊपर क्यों चढ़ गई? कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जाने की तैयारी है भाई? ये नीचे कैसे आएगी? एक मिनट इसको, ओ भाई अब ये नीचे कैसे उतरेगी? ओ मुझे लगता है ट्रक को थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ेगा। चल भाई एक मिनट, आ गई आ गई आ गई, नहीं आई। अरे यार ये भी बड़ी समस्या है। चल भाई मेरा सोने का टाइम हो रहा है, गाँव गाय माता उतर जा उतर जा। ओ ये तो ओ भाई गाँव तो ट्रक के ऊपर ही सो गई। ये काम करते हैं हम भी चलते हैं फटाफट सो जाते हैं और फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, सुबह तो गाँव उठेगी 8 बजे, तो उसके बाद देखता हूँ उसको उतारने की कोशिश करता हूँ। लो भाई होगी एक प्यारी सी सुबह और बहुत अच्छी रोशनी आ रही है आज। गेट बंद है ना भाई, पता लगा सारी गाँव निकल गई। चलो 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 निकलो। अरे भाई उतर ही नहीं रही। अरे यार ये बाहर नहीं निकली। चलो एक काम करते हैं, जब तक ये उठेगी हम बोरी रखते हैं फटाफट अपनी और यहाँ पे, अरे भाई लगा तो दे। तो बोरियाँ आ गई आ गई, अभी उतारता हूँ भाई इसको। एक मिनट भाई, उतरने का नाम नहीं ले रही और मुझे पिग भी लाने थे यार अभी कई सारे, और पिग भी मैं ले नहीं आ पाया। एक मिनट भाई इसको ज़रा उतारने की कोशिश करते हैं, इसको स्टार्ट करके लाइट बंद कर देंगे भाई, बैटरी डाउन हो जाएगी। ट्रक को टक्कर मारता हूँ जोर से, नहीं कुछ नहीं हुआ भाई। ये काव तो उतरने का नाम नहीं ले रही। उतर जा गाय माता। अरे यार एक मिनट, उतर गई उतर गई उतर गई उतर गई, शुक्र है यार उतरी तो सही। कहाँ गई कहाँ गई? पकड़ो भाई इसको, इधर आ इधर इधर, उधर को नहीं जाना, उधर नहीं जाना भाई, इधर को आओ इधर को आओ, इधर आ जा भाई इधर आ जा। तो भाई इसको ले चलते हैं अंदर, खड़ा करते हैं यहाँ पे, और दूध मिलेगा भाई अब भर भर के, हमें दूध बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और बस रस्सी हटा देंगे अब इसकी, और ये दूध इनका इकट्ठा करते हैं जल्दी से, एक के पास चलते हैं बटन दबा के और फटाफट दूध निकालते हैं। तो भाई 42 लीटर, अब 6 × 7 = 42, तो 1 7 लीटर दूध मिलता है। तो हमें एक दिन में, मतलब एक टाइम में मेरा एक कैन भरने वाला है, तो मुझे कैन भी चाहिए कई सारे। अच्छा ओके ओके हो गया, तो एक तो भर ही गया यार। ओह इस ये खाली है, चलो इसको भरते हैं जल्दी। अब ये नहीं पता लगता कि किससे ले लिया था, इससे ले लिया था क्या अभी, इससे लिया था क्या? हाँ भाई इसी से लिया था, गड़बड़ हो गई। एक मिनट भाई इसके पास चलते हैं, वाइट वाली के पास। हट जा गाँव माता हट जा, दूध लेने दे फटाफट से। तो इससे भी लेके मुझे अब 42 लीटर दूध मिलेगा, तो मैं चीज़ बना सकता हूँ फर्स्ट क्लास सी। एक भाई कहता चीज़ बना के दिखाओ, तो भाई मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, आप जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी तो, उसके अंदर भाई मैंने चीज़ बनाई थी। ओके ओके हो गया हो गया हो गया, इन दोनों से ले लिया है। अभी एक मिनट इसको भर देते हैं आप। लो भाई एक कैन फुल हो गई, तो अब चलते हैं। एक एक बंद है, दो काव बंद है, तो ये अच्छी बात है। तो काव कितनी लेनी चाहिए भाई? इतनी काव बहुत है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 6 सेल हैं, तो 6 सेल के अंदर कितनी काव भर सकता हूँ मैं? तो 6 के अंदर 12 ज़्यादा हो जाएंगी ना, आएंगी नहीं। और इसने मुझे फंसा दिया भाई, हट जा गाय माता हट जा हट जा। यार ये हट ही नहीं रही। ओ भाई मैं फंस गया, ओ भाई मैं तो बुरी तरह फंस गया। एक मिनट उछल के निकलता हूँ, ओ भाई उछल भी नहीं पा रहा हूँ मैं तो। गाय माता हट जा। अच्छा एक मिनट काम करते हैं, बाल्टी को उठा लेते हैं। अरे बाल्टी भी नहीं उठा पा रहा भाई, ये क्या हो गया? इसको निकालते हैं। अच्छा तो भाई दरवाजे के साथ मैं फंस गया था,
ये बड़ी दिक्कत है यार, ये कैसी दिक्कत थी भाई, ये क्या प्रॉब्लम थी। इसको लगाते हैं इसमें, और किस किस का ले लिया, इसका नहीं लिया, इससे लेते हैं फटाफट दूध। और ओके ओके सॉरी, ओके सॉरी, और इसका ले लिया भाई। ये क्या हुआ अबे यार, कैसा गंदा सा मौसम हो गया, इसका नहीं लिया। तो ये दो काव अलग हो गई भाई, छः की छः काव अपने अलग हो चुकी हैं। तो अभी चलते हैं भाई, पिग भी ला लेके आने मेरे को, और पिग ला के भरता हूँ इसके अंदर, देखता हूँ आज कितने पिग ला सकता हूँ मैं। तो अभी तो मैंने, ओके ओके चलो ठीक है। तो मिल्क कैन भाई मुझको और लाने पड़ेंगे अभी। तो ये देखो एक फुल हो चुका है, और अभी मैंने किस काव से नहीं लिया, इससे इससे नहीं लिया। तो इसको बंद कर देते हैं गेट को। यार ये गेट, ओहो यार ये गेट का बड़ा, ये गेट बाहर से बंद होता है, इस दरवाजे को बंद करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो इससे लेते हैं जल्दी से। तो मैंने लिया है टोटल, मुझे 42 लीटर मिलना चाहिए अभी, लेकिन देखता हूँ मैं कितना हुआ मेरे पास मिल्क। ओके ओके हो गया ठीक है। तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 7 21, तो 3 4 4 काव से मैंने ले लिया। अब 2 काव बची है, मुझे पता नहीं कौन सी काव है। इससे इससे ले लिया, ओके इससे ले लिया, इससे भी शायद ले लिया है, तो इससे नहीं लिया। तो भाई तो दो मिल के इकट्ठा करना भी, मतलब देख देख के ध्यान ध्यान से करना पड़ेगा कि कौन से रंग की काव से ले लिया किससे नहीं लिया। चलो बहुत हो गया दूध, चलो 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 ओके ओके। तो एक काव बची है, अब उसको ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट। तो 2 ब्राउन वाले से ले लिया, 2 व्हाइट वाले से ले लिया, व्हाइट वाले से इससे नहीं लिया शायद, हाँ इससे नहीं, नहीं 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 इससे ले लिया भाई, गड़बड़ हो गई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इससे ले लिया है भाई, नहीं इससे नहीं लिया शायद। अरे भाई किससे नहीं लिया यार, मुझे बताना जरा किससे नहीं लिया। एक भाई एक काव है देखो, 28 7 4 28, 4 काव का, 1 काव का इसमें गया, अब बाकी पता नहीं 1 काव से रह गया, अब कौन सी काव से रह गया मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो इनको, अब बहुत हो गई काव काव। ओह ट्रक मेरा कहाँ खड़ा भाई, देखो 1 मिनट ट्रक में चलता हूँ फटाफट से, और 1 मिनट यार पहले मैं जरा उसको रोटी खिला के आऊँ। भाई वो मुर्गियाँ सारा सामान चट कर गई होंगी, और इनको खिला देते हैं एक बोरी। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, देख रहे हो, ये बहुत ही तेज़ी से खा रही हैं भाई, बहुत ही तेज़ी से खा रही है, और अंडे भी दे रही हैं, अंडे भी दे रही हैं काफ़ी सारे। देखो अब इनको शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद अंडे उठाऊँगा। इनको मैं आज इस कूप में डालने वाला हूँ, क्योंकि यार ये उसमें काम नहीं चल रहा, तो अंडे उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ट्रक को अभी लगाते हैं पीछे अपने स्टोर के पास, और स्टोर से भरते हैं माल। तो काओ मेरे ख्याल से तो 6 बहुत ही रहेंगी, बहुत मतलब काफ़ी हो जाएंगी। चल भाई ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार कहाँ चला गया, जब रोकने की बारी है तो रुकता ही नहीं है। अब भाई आगे कर भाई इसको थोड़ा सा, बस बस बस। लो भाई अब उठा के अपनी बोरी रखते हैं अंदर फटाफट से। और यार आज लैग क्यों हो रही है इस गेम के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, इंटरनेट से चलती है गेम भाई, ऑनलाइन है। चल भाई, अरे यार इसके अंदर मत चढ़, उसके अंदर चढ़, इसके अंदर छलांग मारते हैं और अपनी आखिरी बोरी। अरे यार उठाता क्यों नहीं है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। चल भाई ये हो गई भी अपनी, कितनी बोरी हो गई भाई, 6 बोरी। अब ट्रक का दरवाज़ा बंद करके इसको खड़ा कर दूँ एक बार। अब खड़ा क्या करना, अब चलते हैं यार स्टोर पे, सुअर लेके आते हैं 4, इसको करते हैं स्टार्ट। अभी काव अपनी सेट हो चुकी है, एक काव का दूध मुझे ध्यान नहीं है किस काव से नहीं लिया, तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। पहले मैं एक वाइट से लूँगा, फिर मैं भूरी वाली से लूँगा, फिर मैं लूँगा जो दोनों। अरे यार मैं किधर जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी गलत चला गया, गलत चला गया। वापस मोड़ो, वापस मोड़ो भाई, उधर तो नहीं, उधर तो पेट्रोल पंप है, मुझे जाना है जनरल स्टोर पर। तो सुअर पिग अपने ला के, पिग से क्या करेंगे भाई, उनसे हम अब इस बार पिग बेचेंगे नहीं, उसका भाई सोसेज वोसेज बनाएंगे, सोसेज फोसेज जो भी बनता है भाई वो बनाएंगे, तो उसको बेच देंगे भाई, उसके भी अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके बल्कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे पोर्क से, जो हम मीट का सुअर बेच मीट पिग का सॉरी मीट बेचते हैं पोर्क, उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसके अंदर। चल भाई इसको चलाते हैं जरा थोड़ा अंदर से। भाई तू एक बात बता दे मेरे को, इतना उछलता क्यों है, आराम से नहीं चल सकता। तो हो सकता है अगली अपडेट में भाई कुछ अच्छा सा हो जाए और बढ़िया सा काम देखने को मिल जाए। ओ भाई बोरी भी पड़ी है अपनी, चलो बोरी भी रखते हैं वापस, और बोरी को मैं अभी भूल गया था, मेरे को ध्यान नहीं था कि कितनी सारी अनाज की बोरी यहाँ पर पड़ी है। चल भाई आंटी खोल दे फटाफट दरवाज़ा, अब चलते हैं भाई सुअर के अंदर, सुअर भरते हैं। अपने पास अभी $8,500 है भाई, रेस हो चुके हम, तो 4 ही आएंगे, 4 ही ले लेंगे फटाफट चेकआउट। और मुर्गी भाई रूस्टर, चलो उसको बाद में लेके जाऊंगा यार, वो अभी आएगा नहीं।
चल भाई आजा छोटू आजा इधर आजा। तो यार इसके अंदर पिग छोटे छोटे हैं, काओ इतनी बड़ी होती है, तो पिग ज़्यादा आने चाहिए। ये गलत सिस्टम, गलत है ये सिस्टम, ठीक नहीं है। थोड़ा सा पिग इसके अंदर कम से कम 8 आने चाहिए, क्योंकि काओ यार इतनी बड़ी होती है साइज में और पिग छोटा सा होता है। अभी तो पिग छोटा ही है ना, अभी तो खाएगा पिएगा तो बड़ा होगा। या तो फिर काओ के भी बछड़े होने चाहिए थे, उनको लेके जाते और भाई वो बड़े हो जाते, उनको खिला पिला के बड़ा करते, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इस गेम में। चल भाई आजा घुस जा। ओके अब उड़ाते भाई अपनी बोरी फटाफट से, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं इनको लगाते हैं यहाँ पर। चल भाई एक हुई, ये हुई अपनी, थोड़ी सी आगे रखनी चाहिए थी यार, मैंने पीछे से रख दी। अब देखता हूँ ये आएंगी भी सारी के नहीं। और आज मौसम शुक्र है अच्छा है यार, बारिश बारिश नहीं पड़ रही कुछ। चल भाई चल उठा इसको, अंदर बाहर अंदर घुसेड़ इसको, आ जाएगी भाई आ जाएगी। तो अब चलते हैं इनको रख के, और फिर पिग वगैरह को अंदर सेट कर देते हैं एक बार, और इनका खाना पीना पूरा करके और मुर्गी को शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यही काम बचा, आप पिग फिर और ले जाएंगे बाद में, अभी तो 4 तो लेके चले, फिलहाल मोटे तो हों ये खा खा के। चल भाई तो इसको अंदर से चला के, ये यहाँ से ठीक है, अंदर से सही चलता है, बाहर से चलाओ तो भाई स्पीड कम करो, बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब थोड़ी ज़्यादा स्पीड भी लेके जाओ तो ये गड़बड़ करने लग जाता है, थोड़ी स्लो स्पीड पर चलाओगे तो बढ़िया चलेगा। ये देखो आराम से बहुत ही आराम से। ओ भाई अरे वो काउ ऊपर कहीं चढ़ गई थी यार, मुझे ये बात समझ में नहीं है। तो मैंने उसको निकाला तो था, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर, पता नहीं ट्रक के ऊपर कैसे आ गई। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कभी, बताना मुझे कमेंट करके जल्दी से। और ये देखो चलो भाई पिक को तो मैं अब अंदर नहीं घुसाऊंगा भाई, ट्रक को अंदर ले आना खतरे से खाली नहीं है। तो एक काम करते हैं बाहर ही रोकते हैं यहीं पर, और एक एक करके निकालते हैं इनको। चल भाई आ जा कहाँ गया ये रहा, अरे इधर रास्ता बेटा, उधर नहीं है। एक मिनट यार काओ को जाने दूंगा, काओ नहीं तो भाई इधर को आ जाएगी। आ जा काओ आ गई, देख। अब पिक बाहर ही रह गया, काओ माता उधर को जाओ फटाफट जल्दी, आ जा। अबे यार ये देखो, काओ को लगता है सेल में बंद करना पड़ेगा, सारी काओ को अभी मैं सेल में बंद करने वाला हूँ थोड़ी देर में। यार काओ को थोड़ा जाने देंगे, अब एक तो पिग भी आने को अंदर राजी नहीं है यार, कमाल की बात है। तो यार एक काम करते हैं, पहले काओ को बंद करके आता हूँ। इधर आ इसको बंद करना यार, गेट इस सेल के गेट में एक प्रॉब्लम है कि बाहर से बंद होता है, अंदर से भी बंद होना चाहिए था। आ जा इधर अंदर। हाँ बस ठीक है, यहीं पे खड़ी हो जा, बस। अरे रुक जा भाई, इसको बंद करना तो बहुत ही मुश्किल है यार, यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, बताओ अब मैं इसको अंदर कैसे लेके जाऊँ, अंदर ही नहीं जा रही, अभी इसने मुझे फंसा दिया। इधर को आ, अबे यार भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये सच में, इसको सेल में बंद करना। हाँ इधर को आ, ऐसे आ यार, ये दरवाजे पर क्यों खड़ी हो जाती है बार बार, कमाल है यार, ये तो पंगे वाला काम है भाई बहुत ही। वो चलेगी सेल के अंदर अपने आप ही, उसको बंद कर देते हैं। चलो एक तो अपने आप ही चलेगी, इसको भी लाते हैं अंदर, इधर कोशिश करता हूँ यार अंदर लाने की। इधर को आओ काओ माता, इधर को आओ। अब चलते हैं बाहर और इसको कर देते हैं बंद, ये तरीका सही है। तो दो अपनी काओ बंद हो चुकी हैं, सुअर देखो पिग भी अंदर चला गया, पिग को नहीं बंद करना, अरे यार ये अंदर थी मैंने बंद नहीं करा, ओहो फटाफट से बटन दबाना पड़ेगा फुर्ती से। आ जा बस ठीक है, ओके यहीं पे रहना। और मेरी काओ भी अंदर चली गई, दो बाहर घूम रही हैं, इनको भी लेके चलता हूँ। आ जा इधर। इस सेल में गड़बड़ है, इस सेल में कुछ गड़बड़ है, नहीं इस बार तो आ गई, इस बार तो भाई फर्स्ट क्लास आ गई। और चल तू भी आ जा, इधर। तो 6 सेल बना रखी है, मैं सोच रहा हूँ 6 ही काओ रखूँ और पिक भर दूँ इसके अंदर 10-15, और इसको बंद कर देंगे तो काओ अपनी होगा भाई 5 बंद। अब मैं पिक को आराम से ला सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आ जा तू भी आ, चलाएंगे मत बार, इधर जल्दी। कौन सी सेल बची है, ये बची है, इसमें पिग तो नहीं है, आ जा। तो अंदर आओ, तुम्हारे लिए देखो इतनी अच्छी सेल बनाई है और तुम बाहर घूम रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, तो अंदर ही रहना बस अब। चलो भाई बड़ी मुश्किल से बंद हुई। अब चलते हैं बाहर फटाफट से, पिग को लाते हैं, पिग अपना अंदर है, पिग अभी काफ़ी अंदर घूम रहा है। चल भाई तू निकल जल्दी, कहाँ गया अबे, कहाँ चला गया अबे, जंगल में पता नहीं क्यों भागते हैं, जंगल में इनका कौन बैठा है यार। अबे यार इधर आना,
इधर आ, इधर उधर को नहीं, इधर को चल जल्दी आ। वो पिग अंदर घूम रहा है भाई, देखो इतनी दूर, उसको अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा लगता, इतनी दूर तक लगता उसकी आंखें काम नहीं कर रही। चल अंदर आ जा, जा अपने भाई के पास जा, चल अंदर जा, अंदर चला जा, अंदर चला जा। लो भाई पिग अब तो आसान हो गए, काओ भाई काओ से दिक्कत हो रही थी बार बार। चल भाई चढ़ जा, इसको उतारते हैं यार, एक एक करके उतारना पड़ेगा। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये भागने क्यों लग जाते हैं भाई। एक मिनट यार, इस सूअर को जाने देंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। देखो देखो आ गया आ गया आ गया, रोको भाई इसको। लो भाई अब बचा एक आखिरी, अब चलते हैं इसके ऊपर। काव तो मैंने भर दी है, और अब अपनी काव तो मैंने अच्छा करा सेल में डाल दी। चल यार भाई यार फंस ही गए तो। अबे ट्रक में बैठने को नहीं बोला तुझे यार, उसको उतारने के लिए बोला था। एक मिनट यार आगे तो चल। अरे भाई नज़र ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। हाँ अब आया नज़र भाई, ये भी पंगा। अरे चल भाई, अरे चल यार ट्रक में क्यों बंद हो गया, वो भाग गया, पकड़ उसको। यार ये क्या दिक्कत है, कभी ट्रक में बैठ रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, आज तो यार मजाक सा हो गया। आजा आजा आजा। लो भाई चार पिग आए अपने पास और चार काओ में ले आया हूँ, बढ़िया सी। अंदर चलो अंदर चलो। और एक स्टनर आता है, स्टनर लेके मैं सोच रहा हूँ कि पिग को मारे ना, उनको स्टन उससे बेहोश करके, उससे बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद भाई इसको आराम से हम इसकी स्किन उतार सकते हैं। तो एक बार चलते हैं भाई पीछे अपने स्टोर में। बस ठीक है भाई, अपने सामान रख दें फटाफट से, बोरियाँ उतार के। तो एक तो काफ़ी बोरी हो गई भाई अपने पास, काफ़ी सारा अनाज हो गया। अब तो मुर्गियाँ आराम से खाएंगी। अब मैं इसके बाद मुर्गियाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, बस मुर्गियाँ एक बार शिफ्ट कर दूँ फिर, तो फिर मुझे अंडे वंडे लेने में आसानी भी होगी ना। अभी क्या है कि अंडे मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ यार, वो मुर्गियाँ बिल्कुल दरवाजे पर बैठ रहती हैं और अंडे भी अंदर हैं, सफाई भी नहीं हो पा रही। तो अंदर फिर कोई मुर्गी बीमार हो गई, मरमरा जाएगी। और रूस्टर भी लेके आना था, रूस्टर भी लाना है क्योंकि मुर्गियाँ ज़्यादा हो गई हैं उनके साथ। तो तीन मुर्गी पे बता रहे थे भाई कि तीन मुर्गी और एक रूस्टर, ये तीनों रखने पड़ेंगे, इस हिसाब से रखने पड़ेंगे। तो रेशो काम करती है यहाँ पर। चल 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 चल, मोड़ 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 लगा इसको फटाफट, यहाँ लगा दे बस पीछे पीछे, बस 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 ठीक है ओके, बहुत बढ़िया ड्राइविंग ठीक है पीछे। अरे इसके हाथ को क्या होता है जब ये काटता है तो इसके हाथ को क्या होता है, देखो। चल आगे कर, ये एनिमेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चलो चलेगा चलेगा भाई चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके गुड है गुड। तो देखते हैं मुर्गी को अब। एक मिनट, इसके अंदर तो मुर्गी यहाँ से डालनी पड़ेगी मुझे कि नीचे से डालनी पड़ेगी। एक मिनट, अभी ये दरवाजे से डालनी पड़ेगी ना यहाँ से, तो इसको खोल लेते हैं। और भाई इसके अंदर पहले पानी भी तो डालना पड़ेगा। एक मिनट भाई, पहले खाना पूरा कर दो। तो पहले खाना, अच्छा पानी का कूलर मैं एक लेके आया हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं करा। तो एक बार पहले मैं खाना डाल दूँ मुर्गी का, उसके बाद मैं मुर्गियों को शिफ्ट करूँगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें जाएगा क्या फीडर, और उसमें क्या जाएगा पानी, इसके अंदर खाना जाएगा। चलो भाई एक बोरी गई, एक और लाता हूँ, दो बोरी डाल देता हूँ फिलहाल। और इसको फिट करते हैं और इसके आस पास लकड़ी वकड़ी लगाते हैं फटाफट से। और एक बोरी में और उठाने वाला हूँ, बोरियाँ मैं अगली बार ला के रखूँगा बहुत सारी, क्योंकि इतनी सारी मुर्गी हो जाएंगी तो भाई एक सेकंड में खा जाती हैं। वैसे यहाँ पर भी बटन होना चाहिए था कि ऐसे जैसे इसके ऊपर आता है तो भाई $42 का माल, खाना पीना अंदर देना पड़ेगा। तो ये इनका खाना तो हो गया, अब देना है इनको पानी, तो पानी यहीं से उठा लेते हैं। तो पानी जाएगा भाई आगे इसमें, ये गया भी है, हाँ गया तो है। तो इस बाल्टी को भी फिलहाल रखते हैं यहाँ पर, और दूसरी बाल्टी ये भाई छलांग मारी मैंने कहा तगड़ी। बस 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 बस, अब डालते हैं भाई इसके अंदर पानी और थोड़ा सा, और इस बाल्टी का भी। हाँ कूलर पड़ा यार मेरे पास, एक बाल्टी भर लाता हूँ वहाँ से। तो कूलर भी लाने, ये वाटर टैंक सॉरी, ये भी लाने पड़ेंगे भाई बहुत सारे, क्योंकि यार पानी तो बहुत पियेंगी ये। वो जो बनाया है ना इन्होंने कुआं भाई, उसके अंदर से सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि वो बार बार जो माउस से घुमाना पड़ता है वो बहुत ही बेकार सिस्टम है। तो ये होना चाहिए था कि बटन दबाते बाल्टी ऊपर आई थी, बटन दबाते बाल्टी नीचे चली जाती, तो ये बढ़िया होता काम, लेकिन यार इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो चलो भाई अब इनको शिफ्ट करने का टाइम आ गया, इसको पकड़ते हैं। आ जा भाई तो इधर आ जा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते। अब ये दरवाज़ा, अच्छा ये बाहर भागेगी, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। आ जा तू भी आ जा। तो देखते हैं टोटल कितनी मुर्गी होगी अपने पास, चल जा। तो ये, अरे ये बाहर आने की कोशिश कर रही है,
तो ये भी बाहर आएंगी, मुझे इनके पास लकड़ी लगानी पड़ेगी। चूजे तू कहाँ जा रहा? वो चूजा कहाँ गया? ओह मेरे हाथ से लटक गया। ओह ये क्या हो रहा है? एक मिनट भाई, इसको रखते हैं यहाँ पे। चल भाई तू भी अंदर चल। तो एक अभी चूजा हुआ अपने पास, एक ये रहा। इधर आ, इधर आ छुटकू राम। छुटकू राम कहाँ घूम रहा है तू? हैं मेरे चिंकू मिंकू। ओ मुर्गियाँ ऊपर चली गई भाई। अच्छा अंदर ऊपर नीचे सैर करते रहेंगी, घूमती रहेंगी। तो अभी पकड़ते हैं भाई बड़े वाले रूस्टर को अंदर। भाई चल तू आ जा इधर, ले बेटा बड़े वाले मकान में मौज ले। नया मकान बनाया मैंने तेरे लिए। इसका क्या करें यार? इसको मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ दूँ। इसको तोड़ दिया जाए क्या? उस घर को, पुराने वाले मुर्गियों को, पिंजरे को क्या करेंगे भाई? उसका तोड़ देंगे। तो इसके अंदर मैं 20 मुर्गी रख सकता हूँ फिलहाल। तो अभी तो देखते हैं कितनी हो गई यार। ये रूस्टर, एक मिनट, ओ भाई ये रूस्टर दो कैसे हो गए? मैं तो एक ही लाया था भाई। एक रूस्टर बड़ा हो गया अपना, मतलब मुर्गा हुआ था देखो। एक ये दो हो गए भाई अपने आप ही। मैं तो लाए, खरीद के लाया नहीं अभी तक। और ये, एक मिनट, ये तो मुर्गी, ये छोटी है। तो इनके अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी है। तो रूस्टर भाई दो हो गए इसके अंदर अपने आप ही। अभी तो चूजे बढ़े जा रहे हैं, इतने सारे जनसंख्या बढ़ा ली इन्होंने अपनी। चल भाई चल चल यार, इनको शिफ्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। ले भाई ये भी गया अंदर। और यार ये आज लैग क्यों हो रही मेरी गेम के अंदर, समझ नहीं आई मुझे क्या चक्कर है भाई। मुझे कुछ सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी। तो चल अंदर। पीले वाली मुर्गियाँ अपने पास ज़्यादा हो गई हैं बहुत। तो अभी कितनी बच गई? अब बच गई भाई दो चार और बची हैं। अभी इनको रखते हैं इधर। अब इनके अंडे का इंतजार करते हैं। अंडे जैसे निकलेंगे कहाँ पर आएंगे ऊपर देखेंगे बाद में। तो कुछ अंडे उठा लेंगे, जिसमें से मुर्गी मारेगी वो निछोड़ देंगे भाई, उसके अंदर से फिर और निकलेंगे। तो अब बचे भाई मेरे पास दो चूजे और। तो टोटल मतलब 10-12 मुर्गी तो अपने पास हो ही चुकी हैं। तो अभी तो मैं इसके अंदर 20 रख सकता हूँ। तो एक ये रहा भाई छोटू, तू कहाँ छुप के खड़ा बेटा? छुप रहा है कि मुझे शिफ्ट ना कर दे तुझे? तो मैं यहीं पे डालूँगा, शिफ्ट करूँगा। लो भाई ये हो गए अपने सारे ट्रांसफ़र। आज मुर्गे मुर्गियाँ जो भी थे, बच्चे भी, आ जा भाई आ जा। और अंडे देखो भाई क्या ढेर लगा रखा है अंडों का। इतने सारे अंडे बेच बेच के तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। लो भाई सारी मुर्गियाँ मैंने आप शिफ्ट कर दी हैं। और अंडे इनके काफ़ी सारे पड़े हैं यहाँ पर, इनको एक बार टोकरी को उठा लेते हैं। और अंडों को फटाफट कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये गया एक अंदर और एक यहाँ पे, ये रहा। और भाई देखो यहाँ भी पड़ा। अब किसके अंदर से चूजा निकलेगा? अब मैं ओवरस्कोप लगाने वाला नहीं हूँ यार, इतने अंडे कौन चेक करेगा यार बैठ के। तो एक भाई कहता है जो अंडा लेटा हुआ होता है ज़मीन पर, मतलब वो होता है उसमें से बच्चा निकलता है। तो अंडे पड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई, फटाफट उठा लेंगे। फटाफट से देखते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उठाने की। आ जा तू भी आ जा। इधर आ। लो भाई अंडे अंडे। अभी ये क्या कर दिया? अच्छा दरवाज़ा क्यों बंद हो गया? तो इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ। इसका क्या करूँगा मैं? अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पैसे ख़राब होंगे भाई, और कोई बात नहीं। तो ये इतने सारे अंडे हमें मिले हैं फिलहाल, तो इनको काम करूँगा मैं, अंदर रख के आता हूँ घर में। क्योंकि अब यार इससे मैं बनाऊँगा चीज़ अंडे वाली। तो ये क्या है? अच्छा मुझे लगा कि चूजा घूम रहा। तो इसको मैं अभी, यार मुझे मोल्ड भी लानी थी मैं भूल गया। तो इस टोकरी को यहाँ रखते हैं, खाली टोकरी को उठा लेते हैं। खाली टोकरी को कहाँ रखूँगा अब मैं? तो टोकरी को, अच्छा यार यहाँ पर भी तो जगह है। अरे वाह ये सही है यार, ऊपर जगह बना रखी है भाई थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ सामान सामान रख सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, इसको डेमोलिश कर देते हैं ना। अंडा पहले चेक कर लेते हैं, इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। इसके अंदर खाना पीना कुछ नहीं है भाई, देखो ख़त्म हो रखा। तो इसको करते हैं भाई, एक काम करेंगे इसको, अच्छा डेमोलिश करने के लिए भाई इसमें जाना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। ये टूट गया भाई, ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। इसको रखते हैं अंदर भाई, लाइट जगा लो। तो ये कचरा सा लो भाई, ये गायब हो गया। तो मुझे ये क्या काम करना पड़ेगा? मुझे ये लकड़ी, तो मुझे ये लकड़ी लगानी पड़ेगी इनके दरवाजे के पास, क्योंकि यार ये बाहर निकल जाएंगे। और इधर से इनका रास्ता किधर है? और इधर भी लगानी पड़ेगी, ये है इनका रास्ता। तो अभी तो मुर्गियाँ लानी पड़ेगी मुझे, और पिग भी लाने हैं मेरे को अभी। और एक मिनट यार, अभी तो रात, अभी टाइम नहीं हुआ मेरा सोने का। तो अभी सो जाता हूँ एक बार, और फिर प्लानिंग करता हूँ कि क्या करूँ। अभी मैं फ़ूड लेके आने वाला हूँ, फूड लेके रख ल मैं अगली बार जब आप देखोगे तो मैं फ़ूड लेके आऊँगा बहुत सारा, अपने स्टोर में भर दूँगा। क्योंकि यहाँ इनको बहुत सारा खाना खिलाना पड़ेगा। और देखो यार ऊपर से मुर्गी नज़र आ रही है मेरे को, वाह भाई वाह। यहाँ से देखें तो ये यहाँ से भी बाहर निकल सकती हैं कि यहाँ अंदर ही रहेंगी? ओ भाई कितनी अच्छी, ओ ओ ओ ओ ओ बंद कर। ओ यार ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा ये भाई यहाँ से भी निकल जाएंगी यार, ये तो दिक्कत वाला काम है।
तो फिर बंदा अंडे कैसे उठाएगा भाई, मैं अंडे कैसे उठाऊंगा अगर ये मुर्गियाँ यहाँ से भाग जाएंगी। अबे कहाँ गई, अबे कहाँ घूम रही है तू। अच्छा तो लकड़ी भाई चारों तरफ लगानी पड़ेगी, ताकि अगर मैं बाईचांस गलती से अंडे उठाने आया और ये बाहर निकल गई तो ओ तू अंदर चल भाई, अंदर चल तू। ओ यार ये बाहर आ गया यार, ये बहुत समस्या वाला काम है। ये ऐसा चिकन ग्रुप क्यों नहीं बनाया इन्होंने जिसके अंदर भाई ये अंदर ही फंसे रहते। तो चलो यार एक बार रात हो चुकी है, मैं जरा एक बार सो जाता हूँ। अभी मैं आपको अगली प्लानिंग बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ओह अच्छा भाई सोना भी तो था, एक मिनट सेव करने लगा। तो पैसे अभी अपने पास कितने बचे हैं, 7,000। तो मुझे एक कमेंट करके बताओ कि 6 काओ ली है मैंने, 6 काओ बहुत होंगे मेरे हिसाब से। हमें चीज़ मोल्ड बनानी है वाइट वाली और दूसरी, तो उसके लिए 6 ड्रम लाने पड़ेंगे मुझे। तो 2 ड्रम है मेरे पास अभी, मैं थोड़े से और लाऊँगा। और खाना भी लाना पड़ेगा मुर्गी के लिए, और मुर्गियाँ भी भरनी पड़ेंगी थोड़ी सी और अंडे के लिए। और लकड़ी लगानी है अभी मुझे। सुअर इसके अंदर कितने सुअर आ सकते हैं टोटल, मतलब अभी तो मैं लाया हूँ 4, तो 4, 12 सुअर इसके अंदर भर दें या 20 भर दें, कितने भरें, जितने पैसे हैं मतलब उसके हिसाब से भरेंगे। बाकी सामान भी तो लाना है। तो चलो ये काम ना मैं अब आज करके रखूँगा, फिर मैं आपको कल दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या लाया। अभी तो मैं इनकी पॉट्टी साफ करके इसको, यार तुम कितना हगते हो भाई, कितना हगते हो। अबे इनके लिए भी कोना होना चाहिए यहाँ पर, ये अपना करते रहे काम और मेरे को ये बार बार सफाई ना करनी पड़े। तो काऊ अंदर घुसी हुई है, मुझे अभी दूध वूध निकालना है इनका बहुत सारा, लेकिन भाई मेरे पास ड्रम नहीं बचा, मुझे अब ड्रम लेके आने पड़ेंगे और इनका दूध निकालना पड़ेगा। तो चलो ये काम मैं करके रखूँगा यार, अभी करूँगा आपके सामने तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसके अंदर सुअर भर दूंगा जितने पैसे हैं मेरे पास, और ड्रम लेके आता हूँ और मुर्गी लेके आता हूँ, मुर्गी के लिए खाना लेके आता हूँ। और लकड़ी अब मैंने मुर्गी भर दी तो वो लकड़ी को हटा के उसको मैं यहाँ लगा दूंगा इसके आसपास, ठीक है दोस्तों। तो चलो इस आज के लिए इतना ही बहुत है यार, फिर करते हैं अगली बार कुछ, जो मैंने अभी प्लानिंग बताई है वो प्लानिंग मैं सारी करने वाला हूँ अगली बार यानी कि कल करेंगे फिर उसको। ओके दोस्तों ये था आज का गेम प्ले, कैसा लगा बताना कमेंट लाइक करके जल्दी से। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खाएं पिए स्वस्थ रहें और ये वीडियो देख के मस्त रहें। ओके दोस्तों बाय बाय।